हेलो एवरीवन, वेलकम टू SGR एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको 51 से 60 की आंसर की बताऊंगा और हम इनको सॉल्व भी करेंगे डिस्कस करके। मैं चाहूं तो बहुत इजीली इसका एक आपको एक्सेल शीट बना के दे सकता हूं, और उस एक्सेल शीट में मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, बट दैट डजंट रियली वर्थ। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ट्रस्ट मी, इसके बाद अगर हम 2017 का नवंबर का पेपर और 2017 का जनवरी का पेपर अगर सॉल्व करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी तैयारी में कितने टॉपिक्स ऐड हो गए हैं वाइल जस्ट सीइंग द वीडियोस। और आप ये देखेंगे कि आपके पास कम से कम 20 से 25 ऐसे इनोवेटिव टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी प्रीवियस MCOM या MBA करते हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नहीं देखे हैं, जो अक्सर नेट में आ जाते हैं। तो इनको सॉल्व कराने का, इनको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इससे सीखें। और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 51st क्वेश्चन। VRIO फ्रेमवर्क जो जय बारने ने हमें दिया है, और VRIO में जो करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ 4, ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, जिसमें आपका वैल्यूनेस, रेयरनेस और इमिटेबिलिटी और देन ऑर्गेनाइजेशन आता है। सो थर्ड ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, प्लीज रिमेंबर। 52nd क्वेश्चन में हम देखते हैं, असर्शन कहती है, इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन ऑन मिसलेनियस इश्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और रीजनिंग कहती है कि द रेशनल ऑफ इंडिकेशन इज टू इंश्योर अफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ इन टू और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब मैं इसको आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। सो प्लीज आप ये देखिए सबसे पहले कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन हम किसी इम्प्लॉय का तब कराते हैं जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नया जाता है और उसकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होती है, जो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग्स के बारे में, इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में जब उसे बताया जाता है, तो हम उसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इसमें दोनों का फायदा एज इसमें रीजन में लिखा है। म्यूचुअल बेनिफिट इसलिए है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है और इसमें आपके एज ए एम्प्लॉय आपका भी फायदा है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को जानने का, मतलब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को जानने का आप कह लीजिए कि मौका मिलता है। तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द 53rd क्वेश्चन। लिस्ट, दो लिस्ट है आपके पास जिसके अंदर आपको डिफरेंट रैंकिंग मेथड्स दिए गए हैं और मेथडोलॉजी दी गई है। बहुत सिंपल है, सिंपल रैंकिंग मेथड से स्टार्ट कीजिए आप। सिंपल रैंकिंग में आप रैंकिंग देते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस्ड वो रैंकिंग्स होती हैं। तो सिंपल रैंकिंग को आप ए का 1 अगर होता है तो सिंपल सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है वुड बी द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर श्योर इन दैट, क्योंकि अगर आप उसमें और भी आगे देखते हैं तो बी का आपको 4 मिलता है, डेट इज़ ऑल्टरनेशन रैंकिंग्स जो होती है, जो आपको ट्रेड्स के आधार पर दी जाती है। सी का आपको 3rd मिलता है, पेयर कंपेरिजन में आपको बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड आपको आपकी क्वांटिटी या क्वालिटी देखी जाती है। कोई भी दो इंसान की पेयर कंपेरिजन में दो इंसान को जज किया जाता है, रादर देयर क्वालिटी ऑफ वर्क, रादर देयर क्वांटिटी ऑफ वर्क। और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम सब जानते हैं कि डी आपको यू एंड अप विद अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। 54 में देखते हैं, कंपनसेशन हैज टू वाइटल डोमेन्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और उसके बाद रीजनिंग कहती है कि कंपनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी आप ये देखते हैं कि ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। आप कहीं भी अगर आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि प्लीज़ बिकॉज लगाइए इन क्वेश्चंस में, आपको बहुत आसानी होगी इन्हें सॉल्व करने में। इफ़ लगाइए, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स है जो आपको बुक से उठा के दे दी जाती है। तो अगर आप इसमें भी बिकॉज या इफ कुछ भी लगा के देखते हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए। कॉम्पनसेशन एज टू वाइटल डोमेन्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? बिकॉज कॉम्पनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये आप पे साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिक अफेक्ट डालता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन
नहीं है, सेकेंड वुड बी द राइट ऑप्शन। 55th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग सोशल इक्विटी, बिल्कुल ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल है। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी के पॉइंट को अगर आप ना समझे तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब हम सब ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ पढ़ा है, आईएलओ में हम ये देखते हैं कि उसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को एनफोर्स करने की बात की जाती है कि इतने घंटे वर्कर्स काम करेंगे, इतने घंटे हर नेशन में जो भी आईएलओ से जुड़े हैं वो उसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। तो जो यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल होता है, जो अक्सर जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, और जैसे आईएलओ है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD, IMF है, वे सब इस चीज़ में देखते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। हालांकि जैसे कि सब के लिए समान आप कह लीजिए रूल्स हो, तो ये भी हैं। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये दो पॉइंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें एक एग्जैक्ट आंसर निकल के आ रहा है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडस्ट्री। ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं होते देखा हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए देखा है कि अगर आप वर्कर्स की रक्षा करेंगे, किसी भी उनके हितों की या उनके राइट्स की रक्षा करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को आप उनके कह लीजिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ को रादर आप कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं वर्कर्स के राइट्स को बचा के और उनको प्रोटेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखते हैं। 55 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्वेश्चन असर्शन कहती है, इन रियल टर्म्स द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज मैनेजमेंट इन फेल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में बिल्कुल फेल है। और उसके बाद रीजन कहता है कि देर इज अ लैक ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस एंड एब्सेंस ऑफ अ प्रोसीजर टू डिटरमाइन अ सोल बार्गेनिंग एजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके कारण वर्कर्स का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो रोल है वर्कर्स का, पार्टिसिपेशन है, वो कम है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियंस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तरह की आप कह लीजिए ऐसे ऐसे एटीट्यूडनल चेंजेस हमारे यहाँ आते हैं, किसी की सोच नहीं मिलती, किसी के विचार नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण आप कभी भी एक सोल बार्गेनिंग एजेंट नहीं ढूंढ पाते, कोई सोल ग्रीवियंस प्रोसीजर नहीं ढूंढ पाते। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड किस लिए बनाई गई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपके इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। पहला कहता है टू प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कॉपरेटिव बैंक्स एंड सेवरल रूरल बैंक्स अप्रूव्ड बाय द RBI फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। बिल्कुल नाबार्ड ये करता है। टू अंडरटेक इंस्पेक्शंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड RRBs रीजनल रूरल बैंक्स के अंडर जितनी भी आती हैं उनको इंस्पेक्ट भी करता है। थर्ड ऑप्शन टू प्रमोट रिसर्च इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और फोर्थ कहता है टू सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल और री इन्वेस्ट और इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो भी करता है। थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो नाबार्ड का फंक्शन नहीं है, नाबार्ड अर्बन डेवलपमेंट के लिए कोई फंक्शन नहीं करता है, वो सारे के सारे काम रूरल डेवलपमेंट के लिए ही करता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर 57th क्वेश्चन। Let's move on to the next question. Which of the following financial institutions coordinate the functions and operations of all financial institutions into a single integrated financial structure so that each may contribute to the growth of the economy? तो आप ये जानते हैं कि सारे के सारे जितने भी इसके अंदर structures आपको दिख रहे हैं, financial institutions आपको दिख रहे हैं, इसमें IFCI आप सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ा लगा के भी इस question को कर सकते थे कि IFCI सबसे पुराना institution है। Obviously, IDBI is a bigger institution as compared to SIDBI and UTI, but IFCI is the oldest and IFCI के under सारे financial institutions ये आते हैं, जो कि around, I think मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, 1946 या 1950 के around IFCI आपका बना हुआ है। So first would be the correct answer of 58th question. Come on, let's go to the 59th question. Assertion कहती है, the Reserve Bank of India is entrusted with the management of the public debt and issue of new loans and treasury bills on behalf of the central and the state governments. Reasoning kehti hai ki the governor and the deputy governors of the Reserve Bank of India are appointed by central government. Dekhiye statements dono sahi hai, lekin R is not the right explanation of A. Reason correct nahi hai. Kya sirf isi karan ki central bank jo hai
वो अपॉइंट करती है गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को रिजर्व बैंक के. रिजर्व बैंक काम करती है इंडिया के लिए नहीं, आरबीआई के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99% ऑफ स्टेक होल्ड करती है, और उसके लिए भी तो वो काम कर सकती है. तो दिस इज नॉट द ओनली रीजन, दैट्स वाई आंसर टू वुड बी द करेक्ट चॉइस. ए एंड बोथ आर बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग ऑन टू द 60th क्वेश्चन, ये बताने की भी जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, सारे इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो नेट देते हैं. डीमोनेटाइजेशन इज द अनडिस्प्यूटेडली करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द 60 to 70 की सीरीज में, जो कि आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, ताकि आपको वीडियो आते ही मिल जाए. और प्लीज़ बी पेशेंट, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि आज आपको एक वीडियो और दूँ और कल 3 वीडियोज़ आपको और दे दूँ. मेरे को बहुत बहुत से लोगों ने कट ऑफ के लिए भी बोला है, कट ऑफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक करेक्ट मेथड या फिर जो मैंने देखा है जिस तरह से मैंने पास किया था एग्ज़ाम को, उस वक्त क्या रही थी, उसके बाद क्या रहे हैं पैटर्न्स, तो 3 साल की कट ऑफ को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो क्या कट ऑफ रहती है, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो सेपरेटली उसकी बना के दूँ, ताकि जितने भी मैं देखता हूँ यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है. एक बड़ा ही सिंपल वे है कट ऑफ को एक्सप्लेन करने का, कोशिश करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच.